मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं जो आपके पैर रखने का तरीका क्या होना चाहिए, कहां पे उसका असर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या करते हो, बीच में सेंटर में रखते हो अपने लेग्स, जो आपके स्टांस है, जो स्टांस पैरों का जो शेप रखते हो, स्टांस बोलते हैं उसको। सो आप जो स्टांस लेते हैं वो बीच में रखते हो और करने लगते हो, हमेशा से ऐसे करते आ रहे हो। तो गाइज, कैसे उसमें वेरिएशन करना है, कैसे उसको हाई करोगे, कैसे उसको नैरो करोगे, कैसे उसको वाइड करोगे, लो करोगे, तो चार तरह के स्टैंड होते हैं। चारों के तरीकों को आपको बताने वाला हूं, थाइस के कहां कहां किस पार्ट पे असर पड़ता है। आई होप कि आपको वीडियो में नॉलेज मिले और आप ऐसे वर्कआउट करोगे तो आपकी ओवरऑल थाइस जो है उसको आप डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज एक ही जगह आप करते रहोगे तो वो एक ही जगह ट्रेन होती रहेगी, वहां का साइज बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके जो आउटर थाइज होती है, जो इनर थाइज होती है, वो ट्रेन नहीं हो पाएगी, तो जिससे आपको ग्रो नहीं होती है। चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे आपको वर्कआउट करना है। Let's go! मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। तो गाइज, इस वीडियो में लैग प्रेस के बारे में बता रहा हूँ कि जो लैग प्रेस आप एक्सरसाइज करते हो, कैसे आपको पैर रखने हैं, क्या अगर आप हाई रखोगे तो कहाँ इफेक्ट पड़ता है, लो स्टांस रखोगे तो कहाँ फ़र्क पड़ता है, वाइड स्टांस रखोगे तो कहाँ फ़र्क पड़ता है, और नैरो स्टांस रखोगे तो कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो गाइज, आपको क्या करना है, आप करते हो सेंटर में रखते हो और थोड़े वाइड कर लेते हो, तो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टांस मैं आपको बताता हूँ, हाई स्टांस, जब आप पैर लेग प्रेस पे ऊपर की तरफ रखते हो और जब आप लेग प्रेस करते हो तो आपका जो ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ये नीचे की साइड आपका इफेक्ट पड़ता है, आपके क्वाड्स पे, आउटर पार्ट पे नहीं पड़ता है। तो आप जब हाई स्टांस रखोगे तो आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, इस पे आपका इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं लो स्टांस की। लो स्टांस जब आप रखते हैं तो आपके जो क्वाड्स है, फ्रंट क्वाड्स, जो आपकी थाइज, सामने वाली थाइज है, उस पर मोस्टली 90% प्रेशर उस पर पड़ता है, उस पर टेंशन होती है। सो जैसे कि आपने समझा कि हाई स्टांस रखने पे आपको नीचे की तरफ ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, और लो स्टांस करने पे आपकी स्क्वाट्स, जो आपके फ्रंट वाली थाइज होती है, आगे वाली थाइज होती है। सो अब बात करते हैं वाइड स्टांस की। जब वाइड आप स्टांस करते हैं, वाइड आप अपने पैर चौड़े करेंगे तब आप वर्कआउट करेंगे, तो आपके इनर थाई पे उसके प्रेशर पड़ेगा। इनर थाई का वर्कआउट होता है जब वाइड करके रखते हैं अपने पैर। अब बात करते हैं नैरो स्टांस की। तो नैरो स्टांस जब आप करते हैं तो आपका आउटर पार्ट ट्रेन होता है, आउटर यानी आपकी जो थाइस के साइड वाला हिस्सा है उसको ट्रेन करता है वो। जब आप करेंगे जिम में, आप करके देखेंगे, आपको फील होगा। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है कि एक ही तरीके का वर्कआउट ना करें, एक ही तरीके से तैयारियां ना करें अपने लैग्स की। लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, आपकी मसल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये वीडियो सोचा कि आपके साथ शेयर करें, तो आप भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और भाई को सपोर्ट करें। चैनल न्यू है, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।